बोलिए कारसदेव महाराज की। हाँ प्रिय श्रोता बंधुओं, कन्हैया कैसेट के माध्यम से श्री कारसदेव महाराज की महिमा का आप लोग आनंद लें। कारसदेव महिमा का प्रथम भाग आप लोग सुने बुंदेलखंड फाग राग के माध्यम से, कि किस प्रकार बहन हेलादी ने कठोर तपस्या की, किस प्रकार सूरपाल और राजू गुजर ने अनेकों कष्ट झेले और कैसे वो गणराजौर से माना की परम पावन भूमि में आकर रहने लगे, इस सब का वर्णन आप इस प्रथम भाग में सुनेंगे। प्रथम वंदना आपकी वरदायक सरताज, और दूजे सुमरो झाज के देव धनी महाराज। जय 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 का रस बलधारी उधाव के अवतारी। कारसदेव महाराज जी को उधाव का अवतार बताया जाता है। अरे के सज्जन सुनो लगा के ध्यान सज्जन, जहां का गरुगा ढार राजा था। अरे के सज्जन सुनो लगा कर ध्यान, के मुझको नहीं गोट का ज्ञान, जैसे सुने लिखे दिव्यान बार हर राजा के रैयत में राजू गुजर रहते थे। बस्ती में एक राजू गुजर वंश चंदीले का रावे, 16 पत्नी सूरपाल सुत सुता पाए तो हर सावे। पत्नी का नाम 16 था, जिनकी दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री सुंदर ब्याई कांकर में दिन बिलमावे, ये जी कांकर में दिन बिलमावे। दूध टांग दूजी है लादी भोर भयाने कल जावे।
पुत्री थी जिसका नाम सुंदर था, वो कांकर नामक ग्राम में ब्याही गई थी। और जो हेलादी नाम की दूसरी पुत्री थी वो दूध लेकर रोज भयाने की ओर जाया करती थी। आगे सुनिए आप लोग। अरे राजोर पति गरुगा की रैयत भारी, ए जी हाँ रैयत भारी, हुकुम की करे नर नारी ताबेदारी, हुकुम की करे नर नारी ताबेदारी। करियल नसीली राजा की तुझ क्या धारी, ए जी हाँ तुझ क्या धारी, सेना में ऊंट हाथी है बेसुमारी, सेना में ऊंट हाथी है बेसुमारी, सेना में ऊंट हाथी है बेसुमारी। राजा गरुआ ढार की अपार सेना थी जिसमें हजारों की संख्या में ऊंट हाथी घोड़े थे। पड़े महाबत खोरन खोरन मधुमाते मधु भारी, मधुआ पिए पंथ गज रोके कल ना पाए अंगारी। जय जय जयकार सोलारी। मधुआ पिए पंथ गज रोके कड़ना पाए अंगारी। राजा के सेना में जो हाथी थे वो मदरा पिए गलियों में लेटे रहते थे, किसी को जाने का रास्ता नहीं मिलता था। एक दिन राजू गुजर की बेटी जो देवी आदि शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, दूध लेकर भयाने की ओर जा रही थी। तब देखिए क्या होता है। हेलादी बोली तभी पीलवान खोटेर, और मग में से गज हटा दो भाई भ्याने खो देर। बोली पीलवान से कि आप अपने हाथी को रास्ते से हटा लें ताकि हम आगे की ओर जा सकें। टूट जाए रोजगार हमारो हटके बाप मतारी, बोलो हलकारो मधुमतिया बोलो बोलो। बेटी हेलादी से हलकारा कहने लगता है, अरे के बोलो हलकारो मधुमतिया, साधु खड़े नयाई बरतिया, खूनी से राजन के हतिया, ना पंथ सजे के इन पे नहीं काऊ को जोर इन पे। कहने लगता है ये राजा के हाथी हैं, जब साधु या कोई बारात निकलती है तभी ये रास्ते से हटते हैं, इसलिए आप दूसरे रास्ते से होकर निकल जाएं।
मारे के इन पे नहीं काऊ को जोर, बैठे सांझ हो या भोर, जासे दिगरो तू जी खोर, नहीं लार मजे बोल लगो बेटी भौजे से, सेला घालो दुधारो है बोल लगो बोटी भौजे से। वचन सुनते ही बेटी हैलादी को क्रोध आ जाता है, बोल लगो बेटी खो जैसे सेला घालो तुधारो है, अनियारो बरछी से पेनो ज्योतेगा मतवारो है, अनियारो बरछी से पेनो ज्योतेगा मतवारो है। जबर हाथ से पकर जंजीरा तनक दयो उन छारो है, जबर हाथ से पकर जंजीरा तनक दयो उन छारो है। हैलादी बेटी ने एक ही हाथ से उस मदमस्त हाथी की सांकर को पकड़ा, अरे छकड़न भरो बो दुधुगा एक हाथ समारो, यदि एक हाथ जब बेटी ने एक हाथ से ही दूध के छकड़ों को समारा और एक हाथ से सांकर पकड़कर उस हाथी को रास्ते से हटा दिया, तो जो राजा का महाबत हलकारा था वो उनके अतुलित बल पौरुष को देख के चकित हो जाता है और क्या करता है, ऐसो क्रोध और बल पौरुष देखो पहली बारी, और जाके राजा गरुगा ढार से कही हकीकत सारी, दे 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 पारस बलदारी। जाके राजा गरुगा ढार से कही हकीकत सारी, पीलवान कहने लगता है राजा से, कुंगर तुम्हारो भूप एक गुजर सुता सवाए, इन दोनों की भमरियां संग में देव डलाए, ऐसी बलकार
चारिन खो सुत की बना ले ओ घर बारी घर बारी बना ले ओ घर बारी घर बारी बना ले ओ घर बारी हो तारस तुम्हार भये अवतारी हो तारस तुम्हार भये अवतारी ऐसी बलकार खो सुत की बना ले ओ घर बारी अरे के राजा राजू खो बुलवायो राजा जैसे ही पीलवान ने कहा कि महाराज आप अपने कुंवर की फैलादी को पत्नी बना दीजिए वो बहुत बलंकारी है, तो राजा हैलादी के पिता राजू गुजर को बुलवाते हैं। अरे के राजा राजू को बुलवायो मीठी बातें दे पुट आयो नहीं मानी बल से राजा राजू गुजर से कहने लगता है कि आप अपनी पुत्री का संबंध मेरे कुंवर के साथ कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन अरे के राजी नहीं फिर हुए कुराजी गुजर जीत न पे है बाजी ऐसी कुमत आन सिर गाजी मन गरब भयो मानी नहीं मनाए बेटी बहुविद गुजर समझाई राजा की बात सुनकर जैसे ही राजू गुजर अपनी बेटी को मनाते हैं कि राजा के कुंवर के साथ हम तुम्हारा संबंध तय कर रहे हैं, तो बेटी हैलादी मना कर देती है। आगे सुनिए आप लोग। मानी नहीं मनाए बेटी बहुविद गुजर समझाई भोर से पाई आए भूप के जिंदा दे चिनवाई मानी नहीं मनाए बेटी बहुविद गुजर समझाई और से पाई आए भूप के जिंदा दे चिनवाई सूरपाल पे हाथ फेर तब रोन लगी सोड़ा माई भादों की अंधियारी रेने किते जाए आफत आई भादों की अंधियारी भाई थे छोटे, तो उनके सिर पर हाथ फेर के माता सोड़ा रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि अगर हम राजा का कहना नहीं मानेंगे बेटा
तो राजा के सिपाही हमको पकड़ कर ले जाएंगे और जिंदा ही किले की दीवारों में चिनवा देंगे। सूरपाल पे हाथ फेर तब रोने लगी सोड़ा माई, तेजी रोने लगी सोड़ा माई, भादों की अंधियारी रेने कितने जाए आफत आई, भादों की अंधियारी रेने कितने जाए आफत आई। देखिए क्या होता है। तब सलाह करी गुजर ने घर में गाड़ी, यदि हाँ घर में गाड़ी पीछे से भीत फोड़ी मन चिंता बाड़ी, पीछे से भूत फोड़ी मन चिंता बाड़ी। रास्ता में धार पड़ गई चंबल की आड़ी। सूरपाल और बेटी हेलादी को लेकर राजू गुजर और माता सोड़ा रात में ही पीछे से दीवाल को फोड़कर निकल पड़ते हैं राजा के सैनिकों से बचते हुए। तो रास्ते में चंबल नदी जो कि कछारे दाब कर चढ़ी हुई थी, अब आगे कैसे निकलें ये समस्या उनके सामने आ गई। चढ़ी दाब के दो कछारे, चढ़ी दाब के दो कछारे, घोर रैन अंधियारी, भादों के घन कोंदा देव कैसे जाती अंगारी। जय जय जयकार बल्लारी। तभी सोड़ा माता कहने लगती हैं, सोड़ा कहे सुंदर रहे निगरे कांकर ग्राम, और है लादी संग भाई के करो तई विश्राम। सोड़ा माता कहने लगती हैं बेटी है लादी से कि पास में ही कांकर ग्राम है, पास में ही कांकर ग्राम है जहाँ तुम्हारी बहन सुंदर रहती है, तुम वहीं पर चली जाओ। तब हेलादी क्या कहने लगती हैं, सोड़ा कै सुंदर रहे निगरे कांकर ग्राम, हेलादी संग भाई के करो तई विश्राम, नींद सुखनियन सुंदर सो रही बहना जाए पुकारी पुकारी।
कहने लगती हैं, जैसे ही हेला दी सुंदर के पास पहुंचती है तो बहन सुंदर अपनी सुख की नींदों पर सो रही है। बहन तब क्या कहने लगती है हेला दी, नींद सुखनियन सुंदर सो रही बहना जाए पुकारी, अरे विपदा परी सो दई सुनाए, सुन गए सास ससुर घबराए, हम का करें तुम्हें बिलवाए ना शरण दई। कि तुम्हारे पीछे राजा के सैनिक लगे हुए हैं, हम तुमको नहीं बिलवा सकते हैं। अरे के दो ही चले बहन और घात, आखन असुजा मन बिगल खात, लौटे उपनय पावन आत ना शरण दई। हीनो इते चली आगे भाई क्या ज्यों बछड़ा हो गई क्या सी टकराए, चली आगे भाई क्या ज्यों बछड़ा हो गई क्या सी टकराए, चली को अपने मन में बहुत दुख होता है कि विपता में मेरे बहन भाई को मेरे सास ससुर ने शरण नहीं दी, तो वो पीछे से हेला दी और सूरपाल के पीछे पीछे चलकर उसी चंबल के किनारे पहुंच जाती हैं और कमला राजू गुजर और सोड़ा को सौंप कर वहीं पर अपने प्राण तज देती हैं। तो माता सोड़ा कहने लगती हैं कि हम तो वैसे भी विपता में थे, अब हमारी विपता को और बढ़ा दिया गया है सुंदर के द्वारा। तब हेला दी बेटी क्या करती हैं, हेला दी सोई मन ही मन ध्यान लगायो, ए जी हाँ ध्यान लगायो, आसन तुरंत चंबल के पार जमायो, आसन तुरंत चंबल के पार जमायो।
हेलादी ने जैसे ही चंबल के घाट पर अपना आसन जमाया, तपस्या की, तो माता चंबल ने उनको दर्शन देकर कहा कि बेटी, जो तेरे हृदय में मनोकामना हो उसको मुझसे मांग सकती है। मैया विपता में तुम्हें तजो न बाए हमारी, और करुणा करी अलख बेटी ने, रो रो भाई दुखारी। जय जय